तो इसलिए कुर्बानी जो है ये एक इंतहाई अहम इबादत है फजीलत वाली इबादत है चुनाचे जो आयत मैंने तलावत की है पहले सूरत पढ़ी आपके सामने शुरे कौसर इसमें अल्लाह का हुक्म है कि इ ना कल कौसर ए पैगम्बर हमने आपको कौसर अता किया खैर कसीर अता किया तो अब उसके सिले और शुक्राने के तौर पर फसल ली रबी का वनहर तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और क़ुरबानी करो इन निशान ए कहोलबतर तेरा दुश्मन ही बे नाम निशान होगा और दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया ابكي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ابكي मेरी नमाज मेरी कुर्बानी, मेरा मरना और जीना सब अल्लाह के लिए है रबालमीन के लिए है और इसमें कोई शरीक नहीं है ला शरीक अल्ला और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है फ़द्र मुखलसिनद्दीन सिर्फ़ अल्लाह के लिए खालिश होकर इबादत करो अल्लाह इसे मांगो इस तरह ये क़ुरबानी जो है ना ये अल्लाह के कुरब का एक जरिया है और अल्लाह का हुक्म लाना है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है इसीलिए इसकी बड़ी फजीलत है क़ुरबानी की